तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और दिन सुबह की शुरुआत कुछ हमारी इस तरह से अपने कबूतरों के साथ। तो कबूतरों को हमने बाहर के आधा डाल दिए, देखो बाहर अपना अच्छी तरह से रहने लगे हैं। अभी बाहर बोला तो मतलब छत पर, पहले घर में अंदर अंदर रहते थे, बाहर निकलते नहीं थे। अब दूसरों को बाहर निकाल के अपना ऑक्सीजन वॉक्सीजन सब अपना लेते हैं कबूतर हमारे। आप देख रहे कितने बाहर आ चुके हैं कबूतर। वही कबूतरी जो हमारी अभी अंदर ही बच्चों को खाना खिला रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, देखो दिख रही होगी अपने अलग रूम है उसका, बेडरूम उसका अलग है। कबूतरी का बच्चों के साथ रहती है और किसी कबूतर के साथ रहती नहीं है। इसका हस्बैंड है, कभी 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 हस्बैंड बैठ जाता है अंडों पर, तो कभी अपना कबूतरी बैठ जाती है अंडों पर दोस्तों। तो इनका सिस्टम ऐसे है, थोड़ा और करीब लेकर के चलता हूँ आपको दोस्तों, धीरे धीरे से थोड़ा करीब ले जाकर। अब बस यहीं से बैठ कर दिखाता हूँ दोस्तों आपको सारी एक्टिविटी, और दिखाता हूँ कौन कबूतर क्या कर रहा है दोस्तों। ये गर्दन टेढ़ी वाला कबूतर जो ज़्यादा नकटा है, सबसे लड़ता है कबूतर, जैसे यहाँ से रिटायर करके आना पड़ा। अभी भी हमारे पास ऐसे ही आया था गर्दन टेढ़ी होकर, अब जब आता बाहर निकल के तो घुस गया अंदर घर में, बाहर निकलता घर में अंदर घुस जाता दोस्तों। देख रहे हो आप, बहुत ही नकटा कबूतर है। देखो किसी को खाना खाने नहीं देता, अकेला अकेला खाना मारता है। तो दोस्तों ये है हमारे दिन की शुरुआत, और आज देखते हैं कौन सा कबूतर उड़ेगा इनमें से, कौन सा नहीं उड़ेगा। एक तो कबूतर तर्र इनके पास जाओ तर्र हो जाते हैं दोस्तों। ये कबूतर तर्र क्या तर्र कर देता है, और देखो अपना कबूतरी अपना गोल गोल खाना खिला रही है अपने बच्चों को। तो दोस्तों देखते देखते कुछ ही दिन में बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, आप बच्चे भी दिखाऊँगा आपको बड़े बड़े। खींच खींच से 10 दिन में अपना बड़े हो जाएंगे, 15 दिन में, 15 दिन 15-20 दिन के होते मेरे अंडर में आ जाएंगे बच्चे। जो किसी को जाने नहीं देता वहाँ पर, अपना अकेला सिस्टम बनाता है कबूतर। इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा जब ये खाना खाने देगा, नहीं किसी को खाना नहीं खाने देगा कबूतर। तो दोस्तों हमने तो इतने दूसरे वाले घर पे तो काफ़ी सारे कबूतर पाल रखे हैं, यहाँ पर अपना ही 4-5 कबूतरों के साथ ही अपना शौक पूरा हो जाता है। ऐसे विदा करता हूँ यहाँ से, इस टीढ़े को यहाँ से करता हूँ विदा। ये तो अपना टाइगर है, टाइगर बेचारा देखो यूँ हाथ में आ जाता है, और टाइगर को देखो नीचे फेंको, नीचे से कैसे उड़ के आएगा। एक जगह देखो टाइगर, एक देखो कैसे उड़ के आया था अपना, मस्त उड़ता, कोई टेंशन नहीं है। इस टीढ़े को थोड़ा यहाँ से विदा करता हूँ, कोई टीढ़ा किसी को खाना नहीं खाने दे रहा है यहाँ पर। ये सीधा काट तक कटकना टेढ़ा है, तो यहाँ से विदा करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसे यहाँ छत पर फेंक देता हूँ। ये क्या दोस्तों छत पर देखो कितना ऊँचा बैठ गया ऊपर, जाके छजली पर अभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ना ही आने की कोशिश करेगा, और आएगा अभी तो काफ़ी बहुत देर लगेगी थी यहाँ से आने में। दोस्तों अभी उतरने में कम से कम 4-5 घंटे लगा लेगा यहाँ से उतरने में, क्योंकि गर्दन टेढ़ी है, बल्कि बार बार घुसता टेढ़ा होता है, इस टाइप से होता था। अभी काफ़ी देर में उतर के आएगा, बाकी अभी ना कबूतरों को खाना खाने देता हूँ। नहीं बीमारी होती रहती है। ये पहुँच गया वहाँ पर, दोनों कबूतर इसी के डर की वजह से आ गए थे। दोनों कबूतरों को लेकर चलता हूँ मैं अपना नकलाने के लिए, फिर आ गया अपने। चलो भैया चलो खाना वाना खा चलो। तो ये देखिए दोस्तों कबूतर अपना चारों आ चुके हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी जूम करके भी आपको दिखाता हूँ, अभी वीडियो में रहना, इन्हें गेहूँ फैला दिए हैं, इन्हें कि मुझ भी फैल गए थे गेहूँ, रोज़ गेहूँ का नुकसान कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको घर भी दिखाया इनका, और कबूतर भी दिखाए, अब ध्यान थोड़े करीब से दोस्तों। अब मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बैठ के अपना सारे कबूतरों का नज़ारा। वो तो दोस्तों छत पर पीछे चला गया, कोई सा कबूतर डर नहीं रहा। और कबूतरी को फिर से कोई मतलब नहीं, कबूतरी तो अपना खाना खिलाने में बच्चों को व्यस्त है। देखो नहीं बाहर आए, अभी बड़ा करके मानेगी इन कबूतरों को दोस्तों। अभी तो रुआ ही रुआ निकला बच्चों के। ओ भैया आ गया टेढ़ा दोस्तों, वो भी बड़ा नक्शा से घर पहुँचाता हूँ ऊपर, बड़ा नक्शा कबूतर है दोस्तों।
बात का कैसे नहीं दौड़ कर टेढ़ा हो गया अभी घर में बच जाएगा अंदर फिर क्या घर में। तो दोस्तों थोड़ा सुंदरी के पास लेकर के चलते थे। सुंदरी कैसे बैठी है? सुंदर अपना घूम बैठी है, सुंदर कोई टेंशन नहीं। इस कबूतर को बंद ही कर देता हूँ, उसको ये खाना खाने नहीं देगा। किसी कबूतर को बंद ही कर दिया मैंने अंदर वहाँ। ये अब ठीक है दोस्तों, क्योंकि बाहर आता है कोई कबूतर खाना खाएगा ना, फिर अभी आराम से खाना खा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं रोज़ आपके लिए बच्चों के अंडों की एक्टिविटी दिखाता रहूँ और कबूतरों की एक्टिविटी दिखाता रहूँ दोस्तों। किसी घर में अंदर घुसने की कोशिश कर रही है कबूतरी, देख रही है किधर। तो बाय बाय दोस्तों, थोड़ा सुंदरी पे एक नज़र। सुंदरी खिला रही बच्चों को खाना। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर मैंने आपको दोनों दिखाई दिए दोस्तों कबूतरों के, और आपको टाइगर चेतक से सबसे मिलवा दिया है मैंने दोस्तों। काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है और भी, तभी और भी आपको कबूतरों से मिलवाना, और भी इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों।